नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाने को लेकर लगातार योजनाएं लाई जा रही हैं। वहीं युवाओं के लिए तमाम रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा माफियाओं की तरफ से लगातार छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी फीस के नाम पर ज्यादा वसूली की जा रही है तो कहीं सरकार की तरफ से दी जा रही स्कॉलरशिप हड़पी जा रही है। ऐसे में छात्रों के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना भी मुश्किल है। ताजा मामला बरेली के ANA कॉलेज से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली का ANA कॉलेज इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। मामला छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन सरकार की तरफ से छात्र छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं दे रहे हैं। वहीं छात्रों की तरफ से छात्रवृत्ति मांगे जाने पर उनको डराया धमकाया जाता है। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। दरअसल MBA कर रही अदिति गंगवार ने आरोप लगाया है कि उसने अपने कॉलेज की सारी फीस जमा कर दी है, लेकिन इसके बाद भी उसको सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। अब जब इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की गई तो कॉलेज स्टाफ ने उसके साथ मारपीट की और अभद्रता की, जिसकी वीडियो छात्रा ने अपने मोबाइल में बना ली। मेरी जो कॉलेज की फीस थी, मेरा जो एडमिशन हुआ था वो मेरा 35,000 में हुआ था, लेकिन मैं अपनी जो है 40,000 फीस जमा कर चुकी हूँ, एकेडमिक फीस पूरी दे चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म रोक दिया गया, वहाँ पे नहीं भरा गया। जब इसकी शिकायत मैंने कॉलेज के मैनेजमेंट से करी तो वहाँ के जो रूबा नसीम और आशना मेहरोत्रा, अजीत और चेयरमैन डायरेक्टर, सबने मिलकर मेरे साथ ये बोला कि इसको डंडे मार के बाहर निकालो, और मेरे साथ जो है धक्का मुक्की और मारपीट की गई और मेरी कॉलेज में नो एंट्री लगा दी गई। जब इसकी शिकायत लेके मैं DM साहब के पास पहुंची, मैंने उनको कॉल करवाया तो उन्होंने बोला कि कॉलेज पहुंचो। मैं कॉलेज भी पहुंची तो उन्होंने मेरे को अंदर आने से मना कर दिया। इसकी शिकायत मैंने फतेहगंज थाने में इंस्पेक्टर से भी करी थी, उन्होंने मेरे साथ दरोगा को कॉलेज भेजा, लेकिन दरोगा जी ने भी मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कॉलेज के स्टाफ के साथ बैठकर चाय पानी पिया और उन्होंने उन्हीं के रिसिप्ट और स्लिप्स देखी, मेरी कुछ भी नहीं बात सुनी, और बाहर आके मुझसे ये बोला कि गलती तुम्हारी है, ड्यूज तुम पे है और तुम ये क्लियर कर लो, और नहीं तो कॉलेज जाने और तुम जानो। और जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने मेरा कॉलेज से नाम काट दिया और मेरे पापा को जबरन पता नहीं क्या लिखवा लिया और इन्हें चेक काट के दे दिया। जब इस बात के लिए हमने थोड़ा जोर डाला तो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन में पुलिस बुलाकर और दरोगा जी हमसे ये कहने लगे कि तुम वहाँ से आ जाओ नहीं हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। जब हम इस बात को लेकर फिर से थाने पहुंचे तो थाने वालों ने कह दिया कि तुम बच्ची हो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो और तुम्हारा सारा मामला झूठा है, हम तुम्हारी FIR नहीं लिख सकते। तो उसके बाद से मैं आज इनके पास आई थी SSP के पास, तो उन्होंने भी यही बोला है कि हम जांच करवा सकते हैं, आपकी इतनी मदद कर सकते हैं। मामला मेरा ये है कि लड़की की पूरी फीस ANA कॉलेज की स्टूडेंट थी, इसकी पूरी फीस मैं जमा कर चुका, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलेज की इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, उसका फॉर्म नहीं भरवाया गया, उसका साल बेकार कर दिया गया, और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जब तक छात्रवृत्ति जो उसकी आई है स्कॉलरशिप वो भी नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारी लड़की का नहीं। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने लड़की का कॉलेज से नाम ही काट दिया। हम सभी जगह गए, संपूर्ण समाधान दिवस में भी गए, CO एरियल को भी हमने बताया, थाना फतेहगंज को भी बताया, DM साहब से भी शिकायत करी, SSP महोदय को भी हमने, आज हम ADG से मिलकर आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कहीं से कोई भी न्याय नहीं मिला है। कॉलेज से MBA कर रहे फाइनल ईयर के छात्र अमन ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से लगातार उन पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि एडमिशन लेने के टाइम पर उनसे फीस को छात्रवृत्ति में से एडजस्ट करने की बात कही गई थी। छात्र अमन कुदेशिया का कहना है कि कॉलेज के अकाउंट में छात्रों की छात्रवृत्ति आ गई है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इनका मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से वैलिड नहीं है, ये बोलते कुछ हैं हम लोगों से और बाद में होता कुछ है, इनका फीस बढ़ा देते हैं घटा देते हैं, बच्चों को परेशान बहुत करते हैं। कोई भी रिलेटेड, अभी आपने लेटेस्ट में अपनी न्यूज़ निकाली अपने चैनल से, अदिति गंगवार करके जो उसका फॉर्म रोका गया है वो इसी वजह से ही है। फीस भी वो लोग लेंगे, एक्स्ट्रा फीस भी लेंगे, और हाँ सबसे मेन बात, हर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करते हैं 1,000 रुपये का। ऐसा कौन सा कॉलेज है जो हर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कराता हो?
रजिस्ट्रेशन एक बार होता है ना, अगर आप किसी भी डिग्री का एडमिशन ले रहे हैं तो एक ही टाइम वन टाइम होता है ना एडमिशन। अगर किसी कॉलेज में ले रहे हैं वो हर सिक्स मंथ में लेते हैं। स्कॉलरशिप का क्या मामला है? स्कॉलरशिप का मामला ये है कि कुछ लोगों से तय होती है जो कम फीस देता है। अगर बच्चा पूरी फीस दे रहा है तो थोड़ी ना स्कॉलरशिप देगा। इनका क्या है कि स्कॉलरशिप सिर्फ हमारी है, ये है इनका कहना। फिलहाल इस पूरे मामले में छात्रों की तरफ से कॉलेज प्रशासन की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है, साथ ही साथ थाना इज्जत नगर में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन ऊंची पहुंच रखने वाले इन शिक्षा माफियाओं का ज्यादा कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता है और छात्र ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाते हुए फिरते रहेंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। जब सत्ता मिलती है तो सत्ता के मत में चूर विधायक कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और ऐसे नेताओं की अभद्रता पूरी जनता के सामने नहीं आती और अगर आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इन पर कोई कार्रवाई तो होने से रही और ताजा मामला फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीजेपी नेता का एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि ये खबर आपको आगे बताएंगे, लेकिन बरेली से जो इस समय खबर आ रही थी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति हड़पने को लेकर, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ बरेली से हमारे संवाददाता पवन कुमार जुड़ चुके हैं। पवन, क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ नया अपडेट इस मामले में है? जिस तरह से बच्चों को अभी छात्रवृत्ति के लिए काफी परेशान होना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, गुहारे लगानी पड़ती हैं, यही मामला एन ए कॉलेज का सामने आया है कि कुछ लड़की और लड़कों ने आरोप लगाया है कि उनकी छात्रवृत्ति निकाल ली गई है और उसके बाद में उनसे फीस मांगी जा रही है। जी जी पवन, लेकिन अब प्रशासन का इस और क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो छात्र हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पुलिस में भी इसकी शिकायत की, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत भी कॉलेज प्रशासन के साथ नजर आ रही है छात्रों को, तो अब प्रशासन इस तरफ से क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि एक वीडियो बच्चों ने अपना बनाया है जिसमें बच्चों ने अपनी बात जब कॉलेज प्रशासन के सामने रखी तो उन्होंने उनसे अभद्रता की और उनको वहां से भगा दिया। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने भी उनको कोई सही आश्वासन नहीं दिया, जांच के नाम पर बच्चों छात्र छात्राओं को वहां से भेज दिया कि जांच की जाएगी। जी जी पवन, अब छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए मेहनत करके इतने छात्र जो है वो स्कूल में, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था और बड़ी मेहनत करके वो एग्जाम दे रहे थे, लेकिन जब इस कॉलेज प्रशासन का इस तरह का रवैया सामने आ रहा है तो अब छात्र क्या कुछ कह रहे हैं? जी, अगर बात करें तो अब ये समय आता है छात्र के भविष्य बनने का और उस समय में जब उसके सामने अड़चने आने लगे तो बच्चों को काफी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। बच्चों ने सोचा था कि हम पूरी फीस जमा करके अपनी छात्रवृत्ति के साथ अपने कोर्स को पूरा करके अपने भविष्य को अच्छा बनाएंगे, लेकिन आज जब उनके सामने ये समस्याएं तो उनको काफी हद तक सोचना पड़ रहा है। जी पवन, क्या ये पहला मामला सामने आया है इस कॉलेज का या फिर इससे पहले भी इस तरह के जो मामले हैं इस कॉलेज में देखे गए हैं? जी, इस कॉलेज का तो अभी यही मामला सामने आया है, लेकिन इससे पहले ऐसे ही छात्र छात्रों को परेशानी करने से लेके एक सिद्धि विनायक कॉलेज का भी मामला सामने आया था जो भी इज्जत नगर क्षेत्र में आता है। जी पवन, लेकिन पवन कहीं ना कहीं जब एक तरफ देखें सरकार जो है छात्रों के भविष्य के लिए शिक्षा नीति को सुधारने के लगातार प्रयास करती है और तमाम योजनाएं लाती है, लेकिन उस तरफ से अगर प्रशासन छात्र माफ कीजिएगा अगर कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस तरह का रवैया सामने आता है तो ये बेहद ही दुखद है उन छात्रों के लिए जो बहुत मेहनत से कॉलेज में किसी न किसी तरह एडमिशन लेते हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा कई बार कॉलेज प्रशासन की तरफ से छात्र छात्राओं को दिलासा दिया जाता है कि आपकी फीस माफ हो जाएगी लेकिन आपको छात्रवृत्ति देनी होगी, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी भी बन जाती है कि बच्चों को फीस भी पूरी ही जमा करनी पड़ती है और उनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पाती है और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर वो कहीं बड़े आला अधिकारी के यहाँ जाकर अपनी शिकायतों को करते हैं तो वहां जाकर जांच के नाम पर उन्हें आश्वासन दे दिया जाए। जी पवन, क्या आपकी किसी अधिकारी से इस पूरे मामले में बातचीत हुई है, क्योंकि छात्र जो हैं वो पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं मिली भगत का, इस कॉलेज प्रशासन और पुलिस पर आरोप लग रहा है मिली भगत का, तो क्या अधिकारियों से किसी चीज को लेकर बातचीत हुई है आपकी? जी, अधिकारियों से इस मामले में अभी बात नहीं हो पाई और कॉलेज प्रबंधक से अगर बात करनी चाहिए तो वो सामना करने को मना कर रहे हैं। चलिए पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बरेली का पूरा मामला है जहां पर छात्र छात्राओं का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कॉलेज प्रबंधन पर छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लग रहा है और तमाम छात्र ऐसे हैं वो लगातार कॉलेज प्रशासन पर
ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है और लगातार छात्र जो है उन्होंने एडमिशन के टाइम पर ही उनसे वादा किया गया था कॉलेज की तरफ से कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन जब छात्रों ने कहा कि स्कॉलरशिप कहाँ है तो उसके बाद से कॉलेज प्रशासन का रवैया जो है वो बेहद ही खराब नजर आया छात्रों के प्रति और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया छात्रों के लिए और कुछ छात्रों से मारपीट भी की गई है। जब सत्ता मिलती है तो सत्ता के मद में चूर विधायक कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और ऐसे नेताओं की अभद्रता पूरी जनता के सामने नहीं आती और अगर आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इन पर कोई कार्रवाई तो होने से रही। जी हां, ताजा मामला फरुखाबाद के मऊदरवाजा थाना क्षेत्र का है जहां पर बीजेपी नेता पूर्व प्रधान हेमंत शाक्या और उसके बेटे की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल पूर्व प्रधान और उसके बेटे ने एक युवक की सामुदायिक शौचालय में शौच करने की वजह से पिटाई कर दी और युवक को बुरी तरह से पीटा। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया और बताया जा रहा है कि दबंग प्रधान और उसका बेटा खुलेआम दबंगई करते हैं और अगर इनका कोई और विरोध करता है तो उसके साथ भी मारपीट करते हैं। वहीं दबंग प्रधान की दबंगई के आगे गांव वाले बेबस हो गए हैं और ऐसे में पूर्व प्रधान और उसके बेटे के आगे किसी भी बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत मिश्रा हमारे साथ फरुखाबाद से जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है ये भाजपा नेता है और ये पूर्व प्रधान है और उसके बाद जो है इस युवक जो है शौचालय में शौच करने जाता है, जिसके बाद उनके द्वारा मना करने के बाद उस वो युवक जो है नहीं मानता है और उसके बाद पूर्व भाजपा नेता और जो दबंग प्रधान बताए जा रहे हैं वो उस युवक को जमकर पीटते हैं, जिसके बाद वो वीडियो लोग जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी कहीं ना कहीं अगर कमी देखी जाए तो पुलिस प्रशासन की है कि किस तरह से जो है लोग खुलेआम इस समय गुंडई कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, और पुनीत अब तक क्यों कोई प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए, जो पीड़ित पक्ष से जो बात हुई है उसके आधार पर पीड़ित पक्ष ने एक तहरीर दिया है, तहरीर के आधार पर अभी मुकदमा लिखा गया, अब जांच कर आगे कार्यवाही करने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल थाना मऊ दरवाजा पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि मऊ दरवाजा क्षेत्र का जो गांव है भूपत नगला, वहां पर मारपीट होती है और मारपीट के कई घंटे बाद तक पुलिस नहीं पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी जो है उसमें पुलिस प्रशासन की सामने निकल के आ रही है। जी बिल्कुल पुनीत, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूर्व प्रधान है वो बीजेपी के हैं और ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है इस पूरे मामले पर? क्या पार्टी की तरफ से किसी नेता या फिर किसी अधिकारी की तरफ से कुछ बयान आया है इस पूरे मामले पर? देखिए, अगर बात करें जो पूर्व प्रधान जो है वो भाजपा के बताए जा रहे हैं, इस संबंध में जो भाजपा के उच्च नेता है उनसे बात की गई तो वो उनका निश्चित तौर पर एक ही बयान था कि अगर जो दोषी है, अगर उन्होंने मारपीट की है किसी भी व्यक्ति के साथ तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यही बयान जो है पुलिस विभाग की तरफ से भी जारी किया गया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जो संज्ञान में उनके आया है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी जी पुनीत, क्या ये जो पूर्व प्रधान ने दबंगई दिखाई है क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी इस तरह की हरकत वो कर चुके हैं और ऐसी दबंगई पहले भी दिखा चुके हैं? देखिए, गांव वालों के से जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार जो गांव वाले हैं वो व्यक्ति से काफी डरे हुए हैं, उसके व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता है और उनका यही मामला कल गांव के एक व्यक्ति के साथ सामने आया और उसके बाद उसका विवाद हुआ और उसको जमकर मारा पीटा। इसी बीच कहीं पर उसका वीडियो जो है किसी ने बना के वायरल कर दिया, जिसके बाद उसकी दबंगई सामने आई और अब पुलिस प्रशासन भी जो है वो कार्रवाई करने को लेकर कुछ हरकत में नजर आ रहा है। जी पुनीत, लेकिन देखिए जिस तरह से देखा जाए ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से दबंगई किसी ने दिखाई हो और उसका वीडियो ना वायरल हुआ हो। ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं जब इस तरह की घटना होती है और अक्सर वीडियो भी
सामने आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि कार्रवाई नहीं की जाती? क्योंकि दबंगई अक्सर दिखाई जाती है, चाहे वो पूर्व प्रधान हो या प्रधान हो या फिर कोई भी हो या कोई नेता हो और किसी पार्टी से भी वो ताल्लुक रखता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो वायरल हो जाता है, कई दिन तक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आप बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरह से फरुखाबाद के जो पुलिस प्रशासन के जो हाल बने हुए हैं, दबंगई जो है गांव से लेकर शहर तक लोग जो है वो खुलेआम दबंगई दिखा रहे हैं, और जब मीडिया में आके वीडियो वायरल होते हैं उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं हरकत में आती है। बाद में इस तरह के बयान भी पुलिस की विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं कि जो मामला संज्ञान में मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया पे जो मामला संज्ञान में आया है उसको जो है जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये पुलिस के भी किसी ना किसी तरह से के रटे रटाए बयान है कि मीडिया में सोशल मीडिया पे वीडियो संज्ञान में आया है, लेकिन ऐसे दबंगों लोगों पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? जो और जो व्यक्ति हैं वो घटना करने से पहले कई बार सोचे, तो निश्चित तौर पर जो है पुनीत, लेकिन देखिए जिस तरह से ऐसी घटनाएं सामने आती है, और इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, चाहे वो कोई और मामला हो या ये मामला हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या ये आला अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचाया भी जाता है या नहीं, या फिर रफा दफा नीचे के अधिकारी ही इसे कर देते हैं? देखिए जिस तरह से ये थाना मऊ दरवाजा का मामला आया है, और मऊ दरवाजा थाने में मामले में जो वहां पर ये तो है वो काफी चर्चित रहे, इससे भी अन्य जो आपको बताना चाहेंगे जो अन्य जो है फरुखाबाद में थाने उनमें भी रहे हैं, तो वहां पर भी काफी चर्चा में रहे हैं। जब से वो थाना मऊ दरवाजा में आए हैं कई ऐसे वीडियो जिनके उनके क्षेत्र के वायरल हो रहे हैं जहां दबंग दबंगे ही खड़े हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल पुलिस विभाग के ऊपर खड़ा हो रहा है कि ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जो अन्य व्यक्ति है अगर कार्रवाई करें तो वो 100 बार सोचे। निश्चित तौर पर देखिए इसमें तो पुलिस विभाग के ऊपर, उच्च अधिकारियों से लेकर और जो थाने चौकी में जो पुलिसकर्मी डटे हुए हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जो ऐसे दबंग जो है दबंगई से बाज आए। जी चलिए पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फरुखाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर बीजेपी नेता की खुलेआम दबंगई देखी गई है, पूर्व प्रधान की दबंगई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल सामुदायिक शौचालय में एक युवक गया था, जिसके बाद पूर्व प्रधान ने उसकी जमकर पिटाई की, और पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों के टैंकरों से डीजल चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का कानपुर देहात की गजनेर थाना पुलिस से पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 215 लीटर डीजल के साथ 2 देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के साथ पिकअप गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों में एक विकलांग भी शामिल है। बता दें गिरोह का एक सदस्य मौके से फरार होने में सफल हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश भी शुरू कर दी है, और पुलिस ने सभी अभियुक्तों को जेल भी भेज दिया है। थाना गजनेर क्षेत्र में जो SCPL डिपो है वहां से जो निकलते हैं टैंकर, उनसे तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश गजनेर पुलिस ने किया है। इसमें उसमें प्रयुक्त एक गाड़ी बोलेरो लोडर है, उसमें 30 जर्किन मिली है, जिसमें 11 में चोरी का तेल बरामद हुआ है। उसके साथ ही 2 अभियुक्तों के पास से तमंचा और उनके कार्टेज बरामद हुए हैं। इस तरह तो गैंग जो अंतर जनपदीय गिरोह है, जिसमें जनपद फिरोजाबाद के 2 अभियुक्त, कालपी उरई के 1 अभियुक्त और एक जो है स्थानीय यहाँ कानपुर देहात का है, और इसके अलावा कुछ एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा है। इसके अलावा इस गिरोह में कुछ अन्य लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, विवेचना के दौरान उनको भी नाम प्रकाश में ला करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पुलिस टीम, ये पुलिस का कार्य है, पुलिस अपना दैनिक कार्य कर रही है, उसके लिए अलग से पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अब पूरे गैंग का जब खुलासा होगा उसके बाद ही उसके पुरस्कार के बारे में विचार किया जाएगा।
नोएडा के सेक्टर 24 क्षेत्र में दो बच्चों की हत्या की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में ले लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों बच्चों की पहचान हो गई है और पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चों को उसके पिता घर से लेकर निकले थे, लेकिन दोनों बच्चे 3 साल का था एक बच्चा और दूसरा 6 साल का है। कल एक सूचना मिली थी सिकंदराबाद थाने की, तो होशियारपुर से एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ घर से निकला है और ये सूचना जो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ निकला उसके पिताजी ने दी थी और इसके बाद हम लोग उसकी निगरानी कार्रवाई की गई थी। आज मॉर्निंग में सिकंदराबाद में दो बच्चों के शव मिलने की सूचना थी, उसके हम लोग मौके पर गए और वहाँ पर जो भी एविडेंस थे उसका कलेक्शन किए, पूछताछ की गई। फिर 49 वाले सूचना को हम लोगों ने डेवलप की और जो उसमें सूचना देने वाले थे उनके द्वारा ये जो शव थे उसको दिखाया गया, उनको उन्होंने शिनाख्त की। उनका ये कहना था कि ये वही हमारे जो दो पोते हैं उन्हीं की डेड बॉडी है और इसके बाद हम लोगों ने उसमें लगातार छानबीन में लग गए हैं। अब तक के छानबीन से पता चला है कि जो सूचना देने वाले थे उनका बेटा अपने दोनों बच्चे को लेकर घर से निकला है रात में। पहले ये इन बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेकर घुमाया है और घुमाने के बाद तो मोटरसाइकिल घर पर रख दी है उसे और उसके बाद बच्चों को लेकर निकला है और अपने मोबाइल उसने घर पर छोड़ दिया। उसके बाद से ये सुबह में हम लोग को सूचना मिली, हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम लोगों ने फॉरेंसिक की टीमें बुलाकर जो मौके से सारी एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, छानबीन चल रही है और बहुत जल्दी हम लोग सबसे पहले उस जो दो बच्चे थे उनके फादर को लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद छानबीन कर रहे हैं 3-4 टीमों के द्वारा और बहुत जल्दी इसको हम लोग। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक ने जहर खा लिया और आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया है, जहां हालत उसकी गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए प्रेफर कर दिया है, लेकिन रास्ते में युवक की मौत हो गई। और बता दें युवक की मौत से पहले उसके मोबाइल में मिले वीडियो ने जहर खाने की वजह भी साफ कर दी है। दरअसल मृतक का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी लड़की के साथ मृतक का एक वीडियो भी मोबाइल में मौजूद था, जिसे पड़ोस के रहने वाले युवक दिनेश ने इसके मोबाइल से किसी तरह से ले लिया और इसके बाद दिनेश ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। पहले 10,000, फिर 5,000 और फिर 25,000 रुपये ब्लैकमेल करने के लिए उसने मांगे और इतना ही नहीं 16 अगस्त को अपने साथियों के साथ उसकी जमकर पिटाई भी की थी। एक जमीन के मामले में भी दिनेश से युवक का उधार था और वो पैसे भी नहीं चुका पा रहा था। पिटाई और ब्लैकमेलिंग से आहत युवक ने जहर खा लिया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर और वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार फिलहाल दुनिया में कहीं भी कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं है। WHO ने कहा कि सबसे पहले हमें दुनिया के गरीब देशों की आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के बारे में सोचना चाहिए और इसके बाद ही अमीर देशों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बारे में फैसला लेना चाहिए। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोविड-19 के ताजा आंकड़ों पर गौर करने के बाद हम इस बात को यकीन से कह सकते हैं कि फिलहाल बूस्टर डोज की कहीं भी जरूरत नहीं है और इसके लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। WHO का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने 20 सितंबर से अपने सभी नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज उपलब्ध करने की बात कही है। अमेरिकी सरकार ने डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया है। बिहार की राजधानी पटना समेत 16 जिले बाढ़ से तबाही झेल रहे हैं। बाढ़ से करीब 32 लाख लोग प्रभावित हैं और ऐसे में बाढ़ वाले जिलों में पूर्वी चंपारण भी शामिल है, जहां से आई तस्वीरों ने सरकारी कामकाज और दवाओं की फिर से पोल खोलकर रख दी है। दरअसल मोतिहारी में नेपाल से बहने वाली पसा नदी का बांध टूट जाने की वजह से कई प्रमुख सड़कें बह गई हैं और कहीं कहीं तो सड़क टूटने से 20 से 30 फीट ऊपर तक पानी बहने लगा है। सड़क के पानी में
सामने से जिला मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। वहीं बाढ़ में घिरे लोगों का आरोप है कि स्पार नदी का बांध टूटने से 2 से 3 दिन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारियों ने सुध नहीं ली है। वहीं बिहार के बाढ़ से जूझते कटिहार जिले से आई कुछ तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल यहां एनडीआरएफ के जवानों ने गंगा नदी की बाढ़ में घिरे इलाके से एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला और रबर बोट और फिर एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल तक भी पहुंचाया है। अस्पताल में महिला ने बेटी को जन्म दिया जिसका नाम परिजनों ने गंगा रख दिया है। वहीं महिला और बच्ची दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और वहीं बता दें बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और इंतजामों को देखने के लिए नीतीश कुमार खुद बाढ़ वाले इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। उन्होंने कटिहार पहुंचकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया, राहत और स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया है। बता दें बाढ़ पीड़ितों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें मदद का भरोसा भी दिया। वहीं डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद भी इस दौरान नीतीश के साथ मौजूद दिखे और ऐसे में बाढ़ में फसलों के नुकसान का भी आंकलन करने का सीएम नीतीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।